केंद्रीय कोयला खान मंत्री सतीश चंद दुबे एक दिवसीय दौरे पर बागमारा के सिजुआ बांस जोड़ा पहुंचे। सबसे पहले मंत्री ने बीसीसीएल सिजुआ बांस जोड़ा अग्नि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। मौके पर कोल चेयरमैन पीएम प्रसाद, बीसीसीएल सीएमडी सिमरन दत्ता मौजूद रहे। वहीं मंत्री सतीश चंद दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार जनता को 24 घंटे बिजली नहीं दे रही। झारखंड के कोयला से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन झारखंड सरकार समय पर केंद्र सरकार को पैसा नहीं दे पाती, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जो कहता है उसको झारखंड की कोयला से पूरे देश को कोयला मिलता है, बिजली मिलता है, लेकिन झारखंड में जो झारखंड की सरकार है यहाँ बिजली 24 घंटा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम कोयला तो देते हैं थर्मल पावर को, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वो कंपनी बेचता है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट समय से न पैसा दे पा रहा है, अन्ना खरीद पा रहा है, जिससे आम जनमानस को झारखंड की कोयला से पूरी। दानापुर मंडल के मोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु के अनुरोध पर पत्र में चिराग पासवान की इस सक्रियता से ग्रामीणों में खुशी का माहौल कायम हो गया है। जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु के अनुसार कोरोना काल में मोर स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, फिर से बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। मोर स्टेशन पर यात्री सुविधा की मांग भी काफ़ी पुरानी है। मंत्री चिराग पासवान की इस पहल पर जिला पार्षद ने बधाई दी है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मोर स्टेशन जर्जर की स्थिति में थी, लेकिन प्रभात कुमार जो हमारे DRM थे पूर्व में, उनके मतलब कि पत्राचार किया था, उनसे संज्ञान में दिया था, तो आज इतना कुछ देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉपेज की बात कही जाए तो मैंने मंत्री चिराग पासवान से अपनी बात को दिया हूँ पत्राचार के आवेदन के रूप में दिल्ली जा करके। उसमें 5 ट्रेन का बात है, उसमें टाटा नगर बक्सर सुपर एक्सप्रेस है, हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है, मेमो है, हटिया पूर्णिया फोर्ट एक्सप्रेस है और भागलपुर एक्सप्रेस है। तो इन सारी ट्रेनों के लिए ठहराव हमने मांग किया हूँ, जिसमें कि कोरोना काल में 2 ट्रेनें पूर्वत में रुकती थी, टाटा नगर बक्सर सुपर एक्सप्रेस रुकती थी और हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, लेकिन कोरोना काल के बाद ये बंद हो गई है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसके लेकर के मैंने भाई चिराग जी से इस बात को रखा हूँ, लेकिन वो रेल मंत्रालय में जाकर के रेल मंत्री से अपना पत्राचार किए हैं, अपना बात रख करके अपनी बात किए हैं, और यहाँ शीघ्र आश्वासन मिला है कि ट्रेन रुकेगी। हमें पूर्ण आशा है कि आजसू के संकल्प सभा में शामिल होने पाकुड़ से आजसू नेता अजहर इस्लाम जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम के नेतृत्व में सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता रांची पहुंचे। दरअसल आजसू द्वारा झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया जा रहा है। संकल्प सभा में राज्य भर के युवा जुटेंगे और सरकार द्वारा किए गए वादे को याद दिलाएंगे। झारखंड नवनिर्माण संकल्प का एक आयोजन किया गया है ध्रुवा मैदान पे। ये हमारे जितने भी शिक्षित भाई लोग हैं, एडुकेटेड भाई लोग हैं, उनका हक का लड़ाई है, उनका हक के लिए जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, इंटर है, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उनका हक के लिए हम लोग न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। और ज़रूर ये सरकार जो हम लोग अभी तक जो न्याय, उनके तरफ से एक